Hi and hello everyone. So today we are going to discuss about the Indo-Greeks. The most famous king among the Indo-Greeks were Menander, 165 to 145 BC, also called Melinda. His capital was Sakala, modern Sialkot in Punjab. सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम ग्रीक्स जो पढ़ा जाता है वो मिनेंडर था, 165 टू 145 बीसी में, जिसको मिलिंडा के नाम से जाना जाता है. इसने जो अपनी कैपिटल बसाई थी वो जो आपने पंजाब में आपने सियालकोट देखा होगा अभी, वो पहले सकाला कहा जाता था, वहाँ उसकी कैपिटल बसी थी और वो सकाला का राजा था. उसको नागसेन ने बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया था. मिलिंदा पनाहो जो कि पाली टेक्स्ट में लिखा गया है वह हमें बताता है कि नागसेन थे जिन्होंने मिलिंदा को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया, उसके धर्म को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उसको शिक्षा दी, तब जाके उसने बुद्धिज्म लर्न किया, बुद्धिज्म के बारे में जाना और उसने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. किसने? मिलिंडा ने. तो मिलिंदा की मिलिंडा कहाँ का राजा था, किसको कैपिटल बनाई? सकाला. वो आज का कौन सा एरिया कहा जाता है, कहाँ बसा हुआ है? पंजाब में, पंजाब में है, उसको आज सियालकोट के नाम से जाना जाता है. कौन से ऐसे गुरु थे जिन्होंने मिलिंदा को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करा? सो ही वॉज नागसेन. कौन से टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि मिलिंदा को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया गया या फिर वो कन्वर्ट हो गया? तो मिलिंदा पन्हो जो कि पाली टेक्स्ट है उससे हमें पता चलता है. अच्छा, ये एक ऐसा किंग था जिसने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इंडिया में इशू करे थे, और इस कॉइन्स को जो इशू करने की, गोल्ड कॉइन्स को जो उसने इशू करा ना, उसको हम बोलते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट बोलते हैं. इसके बाद आता है द शाकास. शाकास में सबसे इम्पोर्टेंट रूलर रुद्रामन वन था, क्योंकि इसने काठियावाड़ में जो कि गुजरात में है उसका सुदर्शन लेक इसने रिपेयर कराया था. इसने सबसे पहले इंस्क्रिप्शन जारी किया था जो कि चास्टे संस्कृत में लिखा गया था. ये जूनागढ़ में पाया जाता है. जूनागढ़ भी हमारा कहाँ होगा, या मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं, यू कैन फाइंड इट आउट. जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में हमें मिलता है कि रुद्रामन वन थे जिन्होंने सबसे पहले आफ्टर डिकेड्स ड्यूरिंग हिज लिविंग पीरियड इन्होंने संस्कृत में एक इंस्क्रिप्शन जारी करवाया था, और यही शाकास थे जिन्होंने सातवाहनास को दो बार हराया था. तो इसमें से क्वेश्चंस ये आते हैं दैट हु वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द शाकास, या फिर ये आ सकता है देन यू विल आंसर रुद्रामन वन, या फिर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है हु रिपेयर्ड सुदर्शन लेक इन काठियावाड़. आंसर विल बी रुद्रामन वन. वेयर इज द सुदर्शन लेक? काठियावाड़. इन विच लैंग्वेज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन बाय द शाकास रुद्रामन वन वॉज इंस्क्रिप्टेड? सो इट वॉज जस्ट संस्कृत. टू होम द रुद्रामन वन डिफीटेड? सो इट वॉज सातवाहना. Just a minute, please. Recording. Yeah. So now we were reading about the Shakas. तो शाकास के बारे में हमने जाना कि सिर्फ और सिर्फ रुद्रामन वन था जो कि शाकास में इम्पॉर्टेंट है, और उसने सातवाहनास को दो बार डिफीट किया, सुदर्शन लेक का निर्माण को रिपेयर करवाया जो कि काठियावाड़ में है, उन्होंने और संस्कृत में उन्होंने इंस्क्रिप्शंस जारी कराए थे जो कि जूनागढ़ में है. इंस्क्रिप्शंस कहाँ पे? जूनागढ़ में. ओके नाउ, तो जो विक्रमादित्य था
उज्जैन का राजा, वही एक इकलौता ऐसा राजा था जिन्होंने जिसने शाकाज को डिफीट किया था। और इस विक्ट्री को डिफीट करने के लिए बिकेज द शाकाज वॉज वर वेरी पावरफुल, सो वैन विक्रमादित्य डिफीटेड विक्रमादित्य द किंग ऑफ उज्जैन वैन डिफीटेड द शाकाज देन टू कोमोरेट दिस विक्ट्री विक्रम संवत एक्चुअली स्टार्टेड। कोमेमोरेट होता है उसको याद रखना, उसको याद रखने के लिए विक्रम संवत 57 BC में स्टार्ट कर दिया गया, जो आज भी हम बोलते हैं विक्रम संवत चल रहा है या फिर कौन सा संवत है। तो द पार्थियंस द मोस्ट फेमस किंग वॉज गोंडोफेरस। और जो पार्थियंस में अगर आप देखें तो पार्थियंस भी एक शाखा ही थी, उसमें गोंडोफेरस था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किंग था AD 19 to 45 में, यानी कि आफ्टर डिकेड। देखिए स्टार्टिंग जीरो लाइक क्रिश्चियनिटी, जो जीसस जब बॉर्न हुए थे उसके बाद आफ्टर डिकेड वी नो कि स्टार्ट होता है। तो 19 to 45 जो एडीज में लिखा है, देखिए कितना स्टार्टिंग का ये टाइम रहा होगा कि इसमें जो गोंडोफेरस के बारे में बताया गया है विक्रमादित्य उसके पहले है BC 57 BC, दैट मीन्स इट्स नियर 200 100 उसके आसपास के ही है, मतलब जीसस क्राइस्ट के अगर आप 50 ईयर्स बैक देखो, 50 ईयर्स बिफोर देखो, तो ये आपको एक आइडिया लग जाता है उसे आगे पीछे क्या क्या डाटा हमारे पास है। तो पार्थियंस जो है, जो पार्थियंस थे उसमें मोस्ट फेमस किंग जो है गोंडोफेरस था, जिसके रीन काल में सेंट थॉमस ने इंडिया को विजिट किया था जिससे कि वो क्रिश्चियनिटी को बढ़ा पाए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कुशवंश। कुशवंश को ना येशी या फिर तो चारियंस भी कहा जाता है, ये स्टेपिज से आए थे, स्टेपिज अफ्रीका में है। कनिष्का जो था वो ग्रेटेस्ट रूलर था कुशवंश का, कुशवंश में से सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कनिष्क था, तो ये तो इजी हो जाएगा, कुशन कनिष्क जिसने साका इरा स्टार्ट किया था। तो ऊपर कौन सा संवत स्टार्ट हुआ, यहाँ तो विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था लेकिन यहाँ पे साका एरा स्टार्ट हुआ कब, 78 AD में, किसके नाम पर, कनिष्क। कनिष्क ही के ही एक ऐसा राजा था इतना ग्रेटेस्ट था कि उसके जिसने ही साका एरा स्टार्ट किया था। तो कुशवंश पहले ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इतने बड़े पैमाने पर जारी किए थे जो कि पूरे मेटेलिक प्योरिटी थे, उसमें पूरा ही सोना था। इससे पहले हमने, आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा विंडो ग्रीक था जिसने, उसने भी गोल्ड कॉइन्स जारी किए थे, मेगास्थेनिक आर्ट थी, तो वो उन्होंने भी एक, सॉरी हेलेनिस्टिक आर्ट थी तो वो भी एक कह सकती है, यस इट वाज आल्सो गोल्ड कॉइन्स इश्यूड बाय द किंग मिलिंदा। बट हियर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द मिलिंदा एंड कुशन्स, सो डिफरेंस इज कि कुशन्स ने गोल्ड कॉइन्स, एक तो पूरे ही मेटल उनका गोल्ड का था जो उन्होंने कॉइन्स इशू करे और बहुत बड़े स्केल पे करे थे। तो कनिष्क के रॉयल कोर्ट में बहुत से अलग अलग ना स्कॉलर्स, विद्वान भी होते थे, पार्श्व, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक फिजिशियन, ही इज वेरी फेमस, इसके भी तो क्वेश्चन भी आता है, एंड मथुरा। इसमें हाँ, इसमें ना अलग से भी क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि कनिष्क जो कोर्ट में जो पार्श था वो कौन था, अश्वघोष, नागार्जुन, वासुमित्र, एंड इसमें चरक फिजिशियन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें पूछते हैं कि जो चरक था फिजिशियन वो किसके कोर्ट में था, रॉयल कोर्ट में था, सो ही वॉज इन द रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्क। या क्वेश्चन घुमा के भी दे सकते हैं दैट हु वॉज अ फिजिशियन इन द कोर्ट ऑफ कनिष्का, सो यू विल आंसर चरक वॉज अ फिजिशियन हु वॉज इन द रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्क एंड ही वॉज द स्कॉलर। ओके नाउ द नेक्स्ट इज सुंगा डायनेस्टी। देखो अशोका के बाद हमने थोड़े से हमने इंडो ग्रीक देखे थे क्योंकि वो उसके पैरेलल कहीं ना कहीं चल रहे थे, बट अब हमने देखा ये डायनेस्टीज जब लास्ट बृहद्रथ अशोका के बाद जो बिल्कुल लास्ट जो मौर्य ने जो रूल किया था वो बृहद्रथ था, वो बृहद्रथ लास्ट का था बिकॉज पुष्यमित्र सुंगा ने ही क्या करा था, बृहद्रथ को मार डाला था। और ये जो पुष्यमित्र सुंग जो ब्राह्मण डायनेस्ट ब्राह्मण्स होते थे, तो उन्होंने भगवतीज्म को काफ़ी उसका जो काफ़ी स्प्रेड किया। इसमें पतंजलि था, पतंजलि की एक बुक है जो कि महा पतंजलि रोट महाभाष्य, सॉरी पतंजलि इन पतंजलि ने महाभाष्य लिखी थी, महाभाष्य इस टाइम पर। इन आर्ट्स द भर भरुत
स्तूपा इज द मोस्ट फेमस मोन्यूमेंट ऑफ द सुंगा पीरियड। देखिए कोई भी अगर काल होता है, अगर उस काल में कोई चीज़ अगर मोन्यूमेंट अगर नहीं बनाई गई है तो उस काल का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। तो जब तक अगर हम देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड्स इसलिए कहे जाते हैं कि एक तो अशोका का था, क्यों? क्योंकि उसने बहुत से उसने इंस्क्रिप्शंस करानी स्टार्ट कर दी थी, गुफाएं बनानी, गुफाओं में जो मॉन्क्स रहते थे उनके काफ़ी उनको अलाउ करा था जिससे कि वो क्यों वहीं रहेंगी गुफाओं में, तो उनकी वजह से क्या हुआ था वहाँ पे, उनके अब तक अवशेष मिलते हैं, उनके चिन्ह मिलते हैं कि वो किसी टाइम में जो मॉन्क्स थे वो वहाँ रहते थे उन गुफाओं में। तो इस तरह से अगर कोई स्तूप बनाई जा रही है या कोई चीज़ खड़ी की जा रही है लाइक इंस्क्रिप्शंस या रॉक एडिक्ट्स इन सम लैंग्वेज, देन इट्स अ प्रूफ ऑफ समथिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर और एंड वी कैन नो अबाउट दैट। तो एक इम्पॉर्टेंस उसकी तभी होती है ना जब उसमें कुछ होता है, कुछ साक्ष्य हमें मिले हैं और आगे हम पढ़ भी पाएं। तो यही है इसमें सुंग डायनेस्टी में भरत स्तूप था जो कि मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट है सुंगा पीरियड का। तो भरत स्तूप सिंपल ही क्वेश्चन आ जाएगा, बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, देन इट बिलोंग्स टू सुंगा डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी। एंड यस पतंजलि इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक हियर, सो पतंजलि रॉट महाभाष्य, ओके, विच बुक इज नॉट रिटन बाय पतंजलि, देन द आंसर विल बी महाभाष्य, महाभाष्य इज रिटन बाय होम, देन द आंसर विल बी पतंजलि। अच्छा विशाख दत्त और मुद्राक्ष, मुझे बता सकते विशाख दत्त और मुद्राक्ष में से कौन सा ऑथर है और इसमें से कौन सी बुक है? देन यस विशाख दत्त ने मुद्राक्ष लिखी थी। मुद्राक्ष वॉज रिटन बाय द विशाख दत्त एंड किस टाइम पीरियड में लिखी थी? कैन यू टेल मी? क्योंकि हमने ये भी हमने पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि विशाख दत्त ने मुद्राक्ष लिखी थी, बट वी नीड टू नो दैट इन विच पीरियड विशाख दत्त रॉट मुद्राक्ष। सो यस इट वॉज रिटन एट द टाइम ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो एक तो हमारी पतंजलि ने जो लिखी थी महाभाष्य हो गई, विशाख दत्त ने मुद्राक्ष लिखी थी, एंड द थर्ड वन इज कैन यू टेल मी हु रॉट द बुक इंडिका? इंडिका के नाम से जो बुक थी वो किसने लिखी थी? इट्स वेरी फेमस। यस मेगास्थनीस, मेगास्थनीस वॉज द वन हु रॉट द बुक इंडिका। और हमने कॉइन्स देख चुके हैं, सबसे पहले कॉइन्स के कब जारी हुए? पंचमार्क्ड कॉइन, किसने जारी किया था इसको पंचमार्क कॉइन्स को? यस इट वॉज लॉन्च बाय इसको जो, और सेकंड मेट अगर हम बात करते हैं आर्ट की तो हेलेनिस्टिक आर्ट, तो ये मिलिंदा ने किया था। एंड द थर्ड वन प्रॉपर मेटेलिक फॉर्म में किसने गोल्ड कॉइन जारी किए थे? थर्ड वन इज कुशन। तो हमने सुंगा डायनेस्टी देख चुके हैं, कुशन डायनेस्टी देख चुके हैं, अब बारी आती है कन्नव डायनेस्टी की। तो देखिए कन्नव डायनेस्टी में देवभूति जो थे वो लास्ट रूलर थे सुंगा डायनेस्टी के, जो कि मर्डर जिनका मर्डर हुआ था वासुदेव के द्वारा। तो हु असर्ब द थ्रोन एंड फाउंडेड द कनव डायनेस्टी विच वॉज द लेटर रिप्लेस्ड बाय द सतवाहनास। सो इन शॉर्ट वट इट्स मैंशनिंग कि देखिए अब लैंग्वेज अगर आप देखो तो हरियंका डायनेस्टी आई सबसे पहले, बिम्बिसार, जा, शत्रुदयन, उसके बाद जो मेन, फिर एक के बाद एक मारते गए थे, जो मेन थे बिम्बिसार, अजाशत्रुघ्न, उदयन, उसके बाद हमारी कौन सी आती है? नंद डायनेस्टी, राइट? तो सॉरी शिशुनाग डायनेस्टी, उसमें हमने मेन पढ़ा कनिष्क के बारे में, कालाशोक के बारे में, उसके बाद नंद डायनेस्टी आई जिसमें हमने देखा धनानंद, सॉरी महापद्मानंद एंड धनानंद। उसके बाद हमने देखा मौर्य डायनेस्टी, मौर्य में हमने देखा चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार, फिर आया था अशोका, अशोका के बाद तो बहुत से कुछ आए थे, उसने कुछ अपने बेटों को भी श्रीलंका भेज दिया,
और फिर लाइक कुणाल था एक, तो उसने अपनी बेटी को, बेटे को भी आगे भेज दिया था श्रीलंका में, जिससे कि वो बुद्धिज़्म अपना ले। कुछ ने आगे चल के जैनिज़्म अपनाया था, बुद्धिज़्म जैनिज़्म। तो लास्ट में जो रूलर था वो था बृहद्रथ, जिसको किसने मार दिया था, सुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र सुंग ने बृहद्रथ को मार दिया था, जैसे कि सुंग डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। सुंग डायनेस्टी में बेसिकली मेन जो नाम आता है वो पुष्यमित्र सुंग का ही आता है। और हमने क्या देखा था, वो ब्राह्मण्स थे, और भरूत स्तूप जो कि मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट है, मोस्ट फेमस एक, हाँ मॉन्यूमेंट ही कह सकते हो। और जो हमने पतंजलि का देखा, पतंजलि ने महाभाष्य लिखी थी। अब सुंग में, पुष्यमित्र सुंग में के बाद के में सबसे लास्ट में देवभूति था। देवभूति को वासुदेव मार देते हैं और अपना कन्वा कन्नव डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। तो वासुदेव ने ही ये वाली डायनेस्टी स्टार्ट करी थी, जिसको बाद में जिसके लास्ट में सुश्रम जो लास्ट रूलर थे कन्नव डायनेस्टी के, और इसके बाद सत्वाहनाज आए थे। इसमें सत्वाहना का जो फाउंडर था वो था सेमुक। सेमुक ने सत्वाहनाज को स्टार्ट किया था। सत्वाहनाज वर फाइनली सक्सीडेड बाय द इक्ष्वाकुज़ इन 83rd century। अब इनकी विजय तब होने स्टार्ट हुई, इनकी विजय इक्ष्वाकु इक्ष्वाकुज़ वंश के जो थे, जब इक्ष्वाकुज़ आए तब सत्वाहनाज का थोड़ा परचम और बढ़ा। अंडर द सत्वाहनाज मैनी, और सत्वाहनाज के में बहुत से चैत्य, चैताल्य, बिहार, मोनास्ट्रीज वर कट आउट ऑफ रॉक मेनली इन नॉर्थ वेस्ट। आप जो ये इलाका देखोगे ना, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का, सॉरी तो मध्य प्रदेश सेंटर होता है, बट नॉर्थ वेस्ट इज गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, थोड़ा ये उधर का नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। तो इस तरफ या महाराष्ट्र का द फेमस एग्जाम्पल्स आर नासिक, कनेरी एंड करले। तो यहाँ पर क्या किया गया, जो रॉक्स थी, बड़ी बड़ी रॉक थी, उनको काट कर वहाँ पर चैत्यालय बनाए गए, जहाँ पर मतलब हॉल्स बनाए गए बड़े बड़े, जहाँ पे लोग पूजा कर सकें। मोनास्ट्रीज बनाई गई, विहार, जहाँ पे बुद्धिज़्म के लिए, जैनिज़्म के लिए तब बहुत परचम लहरा रहा था। तो द ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी हमारे सतवानस की, प्राकृत। और प्राकृत भाषा ही हमारी सबसे पुरानी भाषा है। इसमें जो टाइम पीरियड दे रखा 637 BC है, 73 BC जो से पहले का है, यहाँ पर ये 183-5 टू 73 BC, ये तो हमारे तीनों एक लाइन में चल रहा है, सोम कन्नव सतवानस। तो ये कहाँ से आती है, तो एडी की बात कर रहे हैं, याद रखना कि जो इंडो ग्रीक्स है ना, इंडो ग्रीक्स तो बाद में आए थे, तो एलिन का तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया, बट अशोका के बाद आए हमारे सुंग डायनेस्टी, सॉरी मौर्य के पास सुंग, फिर कन्नव, फिर सत्वाहनास। नाउ वी विल सी द सत्वाहनास इशू ऑफ कॉइन्स ऑफ मेनली कॉपर, ब्रॉन्ज एंड पोटीन। गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज अ फेमस किंग। सत्वाहनाज में गौतमीपुत्र सतकर्णी ही सबसे इम्पोर्टेंट किंग माना जाता है। सत्वाहनाज ने जो कॉइन्स जारी किए थे, कॉपर, ब्रॉन्ज, पॉटिन के किए थे, ठीक है। संगम एज आ गई, उसमें इट इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पोस्ट मॉरियन प्री गुप्तास पीरियड। ये गुप्तास के पहले आए थे, मॉरियंस के बाद में आए थे, बहुत ही बीच में काल है थोड़ा। इसको साउथ में देखा गया है, ड्यूरिंग द संगम एज वॉज रूल बाय द 3 डायनेस्टी, चेरा, चोला, पांड्या। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखो देखो, मौर्य पीरियड थोड़ा वीकन हो रहा था, गुप्ताज पीरियड आने वाला था, तो उसके बीच में कुछ होते हैं किंग्स और चेन टाइप। तो ये यहाँ पे पांड्या, चोला, चेरा के बारे में देखने को मिलता है। ये सारे हमारे संगम एज कहलाते हैं। संगम एज किसको बोला है कि दोनों को जो जोड़ रहा है एक तरह से ना, उसको संगम बताया गया है। देयर कैपिटल, इनकी कैपिटल मदुरई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वट वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्या? इट वॉज मदुरई, विच इज़ फेमस फॉर पोल्स, विच वॉज फेमस फॉर पोल्स, मोती के लिए। पांड्यास की वर मैंशनड बाई मेगस्थनीज। तो पांड्यास के बारे में मेगस्थनीज बताते हैं। मेगस्थनीज कौन था? यस, मेगस्थनीज वॉज द वन हु रॉट द बुक इंडिका।
डू यू रिमेम्बर दैट? तो मेगास्थनीज मौर्य टाइम का था, तो हमने बोला ना ये पोस्ट मौर्य प्री गुप्ता के कॉरेस्पॉन्डेंस में, यानी कि गुप्ता के जो पहले और मौर्य के बाद, तो मौर्यंस के बाद यानी कि हुई ना, मतलब मौर्य डायनेस्टी यानी कि शुरू हो चुकी है गुप्ता के आने से पहले। तो ये पांड्या के बारे में पता चलता है मेगास्थनीज किताब से। ट्रेडेड विद रोमन एम्पायर, ये लोग जो हैं पांड्या रोमन एम्पायर से ट्रेड करते थे, सेंड करते थे एम्बेसीज टू एम्परर कॉस्टस। इसका मतलब क्या है? देखो, पांड्या के किंगडम में से ट्रेड करने के लिए कि रोमन एम्पायर में जाते थे रोमन एम्पायर तक, तो इन्होंने ऑगस्टस जो वहाँ का राजा था उसके दरबार में भी अपने पांड्या से लोगों को भेजा था। नेक्स्ट इज चोला। द चोला किंगडम ऑल्सो कॉल्ड एज चोला मंडलम, ये एनसीईआरटी बुक्स में लिखा है, वो सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पांड्या किंगडम बिटवीन पेन्नर एंड वेल्लर रिवर्स। ये पेन्नर और वेल्लर रिवर्स के बीच में हमारा सिचुएटेड द चोला किंगडम। द कैपिटल वॉज कावेरी पट्टनम बुहार, तो इसको याद रखना चोला के कैपिटल थी कावेरी पट्टनम। क्यों? क्योंकि ये पेन्नर वेल्लर रीजन के बीच में है, तो सबसे बड़ी नदी लेकिन कावेरी कहाँ जाता है, तो इसको कावेरी पट्टनम कह दिया, बुहार कह दिया। ओके, पांड्या के नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि पांड्या जहाँ पे उसके थोड़ा ऊपर जाके ईस्ट में, समझ हो ना? द कैपिटल वॉज कावेरी पट्टनम। ओके, नेक्स्ट लास्ट इज दिस कैपिटल वॉज वाची, इसको हम केरला भी बोलते हैं आज के टाइम में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड होता था रिलेशंस विद रोमन्स के। आयो इसमें कुछ समझ में आया हो, कुछ नहीं मिला हो, बिकॉज इट्स ओनली द वे कैन लर्न बाई डिस्कसिंग विद ईच अदर।